नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे डीपी का ये रिचार्जेबल फैन। तो दोस्तों ये है DP7620। तो दोस्तों ये एक रिचार्जेबल फैन है जिसमें आपको बिल्ट इन एलईडी लाइट भी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इस फैन को चेक, देखते हैं कैसा ये फैन है, क्या इसमें खास है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इस फैन को बाहर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सेलर ने गिफ्ट भी दिया है। तो यहाँ पे हमें डीपी का एक कैरी बैग दिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये कैरी बैग है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए डीपी की काफ़ी सारी रिचार्जेबल चीज़ें आती है, जैसे कि रिचार्जेबल फ़ैन, रिचार्जेबल लाइट्स। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस भी बनी हुई इन सब चीज़ों की। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैरी बैग है जो कि हमें गिफ्ट मिल गया है। इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। तो दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीपी एलईडी लाइट रिचार्जेबल टेबल फैन, DP7620 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों इस फैन को आप देखिए हैंग भी कर सकते हो, ऊपर आपको हुक मिल जाता है ये देखिए। तो इसमें आपको एलईडी लाइट मिल जाती है इनबिल्ट, और इसमें आपको फ़ैन मिल जाता है जिसकी आप स्पीड चेंज कर सकते हो। इसमें आपको बिल्ट इन बैटरी मिलती है जिसको आप यूएसबी से भी चला सकते हो। एंड यहाँ पे भी देखिए ये चीज़ मेंशन करी गई है, फ़ैन का एयर फ्लो आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको यूएसबी केबल का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर मॉडल में आपको मिल जाएगा, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक में। और ऊपर आपको इसमें हैंडल भी मिल जाता है हैंग करने के लिए इसको। ये देखिए ग्रीन कलर में ऐसा कुछ दिखेगा। एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं दोस्तों इस फ़ैन के। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इस फ़ैन को बाहर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक केबल भी मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है ये। और इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेट है लगभग, जिसे आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फ़ैन को निकाल लेते हैं हम बाहर। तो दोस्तों ये है हमारा DP7620 रिचार्जेबल टेबल फ़ैन, जिसमें आपको एलईडी लाइट भी मिल जाती है। और यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये फ़ैन लग रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों बैक साइड एक स्टिकर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर से आपने इस फ़ैन को चार्ज करना है। और जो इसमें एलईडी लाइट मिलती है आपको वो 1 वॉट की मिलती है। और अगर आप इसे फुल स्पीड पर यूज़ करते हो तो इसकी जो वोल्टेज है वो 4.5 वॉट्स रहती है। और लाइट और फ़ैन की जो वोल्टेज अगर एक साथ देखी जाए तो 4.8 वॉट्स का ये फ़ैन है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस फैन में मिल जाती है। सामने से देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, डीपी यहाँ पे लिखा गया है। एंड यहाँ पे देखिए बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है। और वेट में भी थोड़ा ये हैवी है, हल्का फुल्का सा लो क्वालिटी का ये नहीं लग रहा है। ऊपर आपको ये हैंडल मिल जाता है, यहाँ से आप इसे कैरी कर सकते हो अगर आपने इस फ़ैन को इधर उधर ले जाना है। एंड यहाँ पे दोस्तों इस फ़ैन की डायरेक्शन को भी देखिए आप एडजस्ट कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, जैसे ऊपर, बैक साइड, फ्रंट साइड या पूरा नीचे की तरफ भी आप इसका फेस कर सकते हो ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इस फ़ैन का जो डायरेक्शन है, जो एयर फ्लो है आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, ये देखिए 1 वॉट की एलईडी लाइट है। इस साइड यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है ये देखिए। एंड सामने से देखिए कुछ ऐसा दिखेगा ये फ़ैन। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ग्रिप दे रखी है, रबर के यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं अगर आप इस फ़ैन को स्टैंड करते हो तो। एंड यहाँ नीचे की तरफ आपको ये हुक भी मिल जाता है। तो इस हुक की हेल्प से दोस्तों आप इस फ़ैन को हैंग भी कर सकते हो, अगर आपने इस फ़ैन को कहीं लटकाना है तो आप इस फ़ैन को लटका भी सकते हो। एंड यहाँ पे फिर आप इसकी जो डायरेक्शन है फ़ैन की एडजस्ट कर सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपने इस फ़ैन का एयर फ्लो रखना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसको आप स्टैंड भी कर सकते हो एंड हैंग भी कर सकते हो इस रिचार्जेबल फ़ैन को। ये ऑप्शन आपको किसी और रिचार्जेबल फ़ैन में नहीं देखने को मिलता है। एंड देखिए ये हुक जो है ये नीचे की तरफ ही देखिए फोल्ड हो जाता है। एंड इस हुक को दोस्तों आप ऐसे देखिए फोल्ड करके प्रेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको टच कंट्रोल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक बटन मिलता है, टच कंट्रोल वाला बटन है। तो यहाँ से आप फैन चला सकते हो लो, मीडियम या हाई स्पीड में। एंड दूसरे बटन से दोस्तों आप लाइट यूज़ कर सकते हो, जैसे लो ब्राइटनेस या हाई ब्राइटनेस पे। एंड यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेशन के लिए LEDs भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है इस फ़ैन की। यहाँ बैक साइड आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों एक ही स्टिकर हटा देना है आपने। तो ये वाला जो बटन है दोस्तों ये पावर ऑन ऑफ बटन है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए इस फ़ैन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग वाला बटन है, इस बटन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल क्वालिटी को लेके तो कोई कमी नहीं है इस फ़ैन में, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस फ़ैन में आपको। तो चलिए दोस्तों इस फ़ैन को अभी यूज़ करके देखते हैं, चला के देखते हैं कैसी इसकी लाइट है, कैसा इसका एयर फ्लो है, कैसा ये ओवरऑल फ़ैन वर्क करता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप टच करके इस फ़ैन की जो एलईडी लाइट है उसे यूज़ कर सकते हो लो ब्राइटनेस पे या हाई ब्राइटनेस पे। एंड दोबारा से अगर आप टच करोगे तो ये स्विच ऑफ भी हो जाती है। एंड दूसरे बटन को दोस्तों आप टच करके फ़ैन को यूज़ कर सकते हो, जैसे आप लो स्पीड पे या मीडियम स्पीड पे या हाई स्पीड पे इस फ़ैन को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं दोस्तों एयर फ्लो की बात करूँ, अगर आप इसे मैक्सिमम फ्लो पे रखते हो, मैक्सिमम स्पीड पे रखते हो, तो 5 फीट तक इस फ़ैन का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा रहता है। 5 फीट तक इस फ़ैन की जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छी आप फील कर सकते हो।
तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूँ तो एक पर्सन के लिए इस फैन की जो एयर फ्लो है वो काफ़ी है, इनफ है। जैसे रात में अगर लाइट चली जाती है, पावर कट होता है, तो आप इस फैन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको बिल्ट इन लाइट मिल जाती है, फैन भी बहुत अच्छा इसका वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो आपको मिल जाता है। आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे किचन में बहुत गर्मी होती है या फिर अगर रात को खाना खाते हुए लाइट चली जाती है तो भी आप इस फैन का यूज़ कर सकते हो। एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा है इस फैन का, एंड जो इसमें लाइट दे रखी है, इस लाइट की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों आगे इस वीडियो में हम इस फैन की जो एलईडी लाइट है इसकी ब्राइटनेस भी चेक करेंगे। एयर फ्लो हम दोस्तों ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा एयर फ्लो है। एंड दोस्तों अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इस फैन को चार्ज करना है। तो आप अपने मोबाइल का चार्जर यूज़ कर सकते हो, एंड इस माइक्रो एसबी केबल को दोस्तों आपने यहाँ पे लगाना है इस स्लॉट में। एंड देखिए जब ये चार्ज होगा तो ऐसा कुछ रेड एलईडी इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रेड एलईडी इंडिकेशन आपको बताता है कि ये फैन चार्ज हो रहा है, और चार्जिंग के टाइम भी आप दोस्तों इस फैन को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसकी जो लाइट है उसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसकी लाइट को यूज़ कर सकते हैं लो ब्राइटनेस पे या हाई ब्राइटनेस पे। ये देखिए काम कर रही है लाइट, ये देखिए। एंड यहाँ पे आप फैन को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लो स्पीड पे, मीडियम स्पीड पर या फिर हाई स्पीड पर भी। तो दोस्तों इस फैन को आप यूज़ करते हुए भी चार्ज कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर आप इस फैन को यूज़ करते हुए चार्ज करोगे तो इसको चार्ज करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 5 या 6 घंटे लगेंगे आपको इस फैन को फुल चार्ज करने में। बट अगर आप इसे पावर ऑफ करके चार्ज करते हो तो ये फैन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा, लगभग 3 से 4 घंटों में आप इस फैन को फुल चार्ज कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप पावर बैंक से भी इस फैन को चार्ज कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने अभी पावर बैंक कनेक्ट किया इस फैन के साथ, और देखिए अभी यहाँ पे भी देखिए चार्जिंग इंडिकेशन आप देख सकते हो, तो आप इसे पावर बैंक के साथ भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप इस फैन को मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो एंड पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप 2 एम्पीयर का चार्जर यूज़ करोगे तो ये फैन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। एंड दोस्तों इस फैन में आपको बिल्ट इन बैटरी मिलती है, तो बैटरी आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 2800 mAh की। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस फैन में जो आपको एलईडी लाइट मिलती है उसकी ब्राइटनेस कितनी है, कितनी रोशनी आपको इस फैन के एलईडी लाइट से मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इस फैन की जो एलईडी लाइट है इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, अभी लो ब्राइटनेस पर है और फिर भी देखिए इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप इसे हाई ब्राइटनेस पे भी यूज़ कर सकते हो, लो ब्राइटनेस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे एज अ इमरजेंसी लाइट भी यूज़ कर सकते हो, देखिए जैसे रात में लाइट चली जाए तो आप इसे एज अ इमरजेंसी लाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस, देखिए लो हाई, देखिए ऑफ, लो हाई, दोबारा ऑफ कर दिया, लो हाई। तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको इस फैन की एलईडी लाइट में, एकदम इमरजेंसी लाइट जैसी ब्राइटनेस दे रखी है। तो दोस्तों ये फ़ैन मुझे काफ़ी पसंद आया, डेफिनेटली दोस्तों आप इस फैन को परचेस कर सकते हो। इसमें आपको टच कंट्रोल मिल जाता है, पावरफुल एलईडी लाइट मिल जाती है, पावरफुल फैन मिल जाता है, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये आपको दोस्तों फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।